वेलकम वंस अगेन टू माई चैनल रोबस बाजार। आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस स्टॉक के ऊपर। बजाज फाइनेंस में आपने देखा पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक एक कंसोलिडेशन पे है। यहाँ पे कोई भी बड़ी मूव नहीं आई है स्टॉक में। अब ये कौन से लेवल हैं अपसाइड, जहाँ से आपको अपसाइड के लिए कोई ट्रेड इनिशिएट करना है 7400, और डाउन साइड हम बात करेंगे 7130। अगर 7130 के नीचे स्टॉक निकलता है तो यहाँ पर हमें सेल पोजिशन बनानी है। हमारी पोजिशन यहाँ पर डाउन साइड बन सकती है 6750 के आसपास। अपसाइड में अगर देखा जाए तो अपसाइड में जैसे ही ये ब्रेकआउट मिलेगा तो ये अपने लाइफ टाइम 52 वीक हाई की तरफ पहुंचेगा। तो जहां इसका जो 52 वीक हाई है वो काफ़ी ऊपर अपसाइड है, आप देख सकते हैं। अगर ये ऊपर का रेजिस्टेंस तोड़ता है तो इट मीन्स स्टॉक में काफ़ी एक बाइंग अच्छी बनेगी। ऊपर के स्तरों में आप देख सकते हैं 7599 मतलब 7600 के आसपास, और 7600 के बाद फिर इसमें और अपसाइड देखने मिल सकती है। ऑलमोस्ट ये अपने 52 वीक हाई के आसपास पहुँचेगा। 8050 जो उसका है, 8029 के आसपास पहुंचेगा। मुझे लगता है बजाज फाइनेंस में ये टारगेट जल्द ही देखने मिल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में काफ़ी अच्छी एक बाइंग मोमेंटम बनी हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इचिमोकू क्लाउड इसमें इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बादल दिखाई दे रहा है वो इंडिकेट कर रहा है अपसाइड के लिए। तो यहाँ पर मे बी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि एक बाइंग की अच्छी संभावना इसमें दिख रही है। तो ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो था। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लें। थैंक यू सो मच।